हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने मोबाइल पे ईवे बिल बनाना है तो दो मिनट में आप अपने मोबाइल से ईवे बिल कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ ईवे बिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, ewebill.nic.in। यहाँ ewebill की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे यूज़र नेम इंटर, यहाँ हमें यूज़र नेम इंटर करना है। यहाँ यूजर नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर करेंगे। यहाँ पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड है यहाँ कैप्चर कोड इंटर करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो ईवे बिल है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है जनरेट न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें ईवे बिल की जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे सबसे पहले हम डेट देखेंगे, आज की ही डेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर और बिल नंबर, ये तीनों सेम ही होता है। यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद अब यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ जिसको हम अपनी सेल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिसको हम सेल कर रहे हैं जिसका ये जीएसटी नंबर है उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड सब आ जाएगा। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम बीज सेल कर रहे हैं हम उसे यहाँ पे इंटर करेंगे। हमारे केस में है डोर्स, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम यही इंटर कर देंगे। और यहाँ पे HSN कोड इंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी इंटर करेंगे। क्वांटिटी इंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा यूनिट है कि हमारा जो हम जो सेल कर रहे हैं वो गुड्स पीस में है, केजी में है या फिर स्क्वायर फीट है। और यहाँ पे हम अपनी टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो रेट है वो सिलेक्ट करेंगे 18% से 5%।
यहाँ जैसे ही हम रेट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो CGST SGST है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा रेट है वो एक्चुअली 12% नहीं बल्कि 18% है। हम यहाँ पे अपना रेट 9+9 ये एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो CGST और SGST है वो एक बार हम चेक कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं। हमारे केस में बिल्कुल सही है, IGST कुछ है नहीं, और जो हमारा टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया है 61272.68। अब यहाँ पे 0.68 है। यहाँ पे हम राउंड ऑफ इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल इनवॉइस है वो आ गया है 61273। अब स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। अगर आपका जो गुड्स है जो आपने सेल किया वो अगर बाहर जा रहा है, तो अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का GST नंबर इंटर करेंगे, और अगर नहीं तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा जो डिस्टेंस है वो अपने आप आ गया है। अब यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये हमारा व्हीकल नंबर गाड़ी से जो जा रहा है यहाँ पे हम व्हीकल नंबर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपना जो व्हीकल नंबर है वो इंटर कर दिया है। एक बार हम फिर पूरे बिल को चेक कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस नंबर है उसे चेक कर लेंगे, और जो हमारा जिसको हमने सेल किया उसका GST नंबर चेक कर लेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा HSN कोड है, जो क्वांटिटी है और जो यूनिट है, और टैक्सेबल अमाउंट जो है, जो हमारा रेट है, ये सब चेक करने के बाद जब हमें लगेगा कि बिल्कुल सारी डिटेल्स हैं जो बिल्कुल सही है, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें अलर्ट करेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा ईवे भी क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे डिटेल प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ डिटेल प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप इस ईवे को प्रिंट भी कर सकते हैं और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे।